कई बार मशीन अलार्म देती है एचवी वोल्टेज एडजस्टमेंट फेल का, उसके बाद आपने क्या स्टेप फॉलो करना है? जो अलार्म यहाँ और मैं लिखकर नहीं, अभी अलार्म लिख दे जो आया है बैकग्राउंड वोल्टेज ऑफ एचवी अब नॉर्मल करें। ये जैसे आपके पास अलार्म आया है बैकग्राउंड वोल्टेज ऑफ एच बी एबनॉर्मल, इसको सोल्व कैसे आप सोल्व करेंगे? तो ये नहीं जाएगा, कोई इंटरनल वोल्टेज लो है या हाई है मशीन की तो ये शॉर्ट आउट नहीं होगा। तो उसके लिए आपके दो स्टेप रहते हैं। फर्स्टली आप चेक रीजन चेक करेंगे कि आपका डालवेंट ख़त्म नहीं हुआ है और आपका लाइज दोनों प्रॉपरली जा रहे हैं या बबलिंग नहीं है किसी ट्यूबिंग में आपकी। अगर बबलिंग होती है तो आप उसको रिप्लेस करेंगे या उसको बबल को रिमूव करने की ट्राई करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। अगर सब कुछ आपका ओके है, कोई टेम्परेचर के कारण एनवायरनमेंट में आपका टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो रहा है उस कारण ये वोल्टेज का अलार्म आपको आ सकता है, जैसे सर्दी से गर्मी में कन्वर्ट हुआ मौसम और गर्मी से सर्दी में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए आप फर्स्टली आप इसको पहले क्लोज करेंगे। यहाँ से आप सेटअप में जाएंगे, सेटअप में गेन सेटअप है, आप यहाँ ये गेन सेटअप है आपका, आप इस पर प्रेस करेंगे गेन सेटअप पर। यहाँ पर आप देखेंगे एच पी की वोल्टेज 1.38 आ रही है और जो वैल्यू है 22 है। आप इसको इंक्रीज करेंगे और वोल्टेज इंक्रीज होएगी आपकी, आप इसको डाउन करेंगे तो वोल्टेज डाउन जाएगी। तो ये आपकी 4.5 के आसपास होनी चाहिए। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ 67, जैसे मैंने फोटो में रखता हूँ उसको और सेव किया मैंने यहाँ से, तो ये आपकी वोल्टेज बढ़ रही है। ये अभी 77 में 4.59 आ गई, ये बीच का दायरा है इसका। अगर आप 60 से अपर चली जाएगी, नियर बाय 70 आ जाएगी, ये तब भी अलार्म देगा आपको। तो ये ओके है वोल्टेज अभी। उसके बाद आप नीचे ये इंडिकेशन दे रहे हैं अलार्म एरर का, इस पर जस्ट प्रेस करना है आपने, ये आपका आगे स्क्रीन, यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे। ये नीचे मेंशन में आ गया फॉल्ट बीन एलिमिनेटेड बैकग्राउंड वोल्टेज हैज बीन अनोनली, ठीक है। अराउंड 10 सेकेंड लेगी मशीन, ये आपका एरर चला जाएगा। उसके बाद आप रिपोर्ट पर जाकर अपना सैंपल रन कर सकते हैं।